ये देखो ये भाई साहब, क्या बोलूं क्या ही बोलूं। मियाँ, चलो मैं जाके व्लॉग देख के आती हूँ, आप लोग भी देखो। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हंसते मुस्कुराते वीडियो देख रहे होंगे। पहली बात तो ये कि सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो और दिल से आप लोगों का शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और हर खुशी से नवाजे और बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से बचाए। मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। बाकी आप सब जितने भी लोग हैं मुझे देखने वाले, आप लोग सब मेरी फैमिली की तरह हैं, क्योंकि एक फैमिली ही अपने फैमिली मेंबर को इतना सपोर्ट कर सकती है, तो उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। बाकी आज का सीन ये है कि आज है 2 दिसंबर, नहीं सॉरी 2 तो कल है, आज है 1 दिसंबर 2023। और हम लोग अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी अच्छी करवाएंगे आज, क्योंकि जो गाड़ी के कवर्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं ये मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले चेंज कराए थे, जो कि अब फट चुके हैं। मैं गाड़ी की हालत आप लोगों को बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा, तो फिर बताना आप लोगों को कैसी लगी। ज़्यादा ख़र्चा तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन जितना हो सकता है उतने में उम्मीद है गाड़ी की शक्लो सूरत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाए। तो सीन कुछ ऐसे हैं, देखो बाहर से तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कराने वाला, क्योंकि अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे बाद में। लेकिन बाहर से ये चेंजिंग आएगी कि गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, तो गाड़ी हम लोग वॉश करवाएंगे। तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना होने वाला गाड़ी नहीं दिलवाई। बाकी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ जो हम लोग चेंजिंग करने वाले हैं। ये देखो ये भाई साहब, क्या बोलूँ क्या ही बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया है इनके इन कवर्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल गुजर गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है ये भी। और मैं इससे अब बोर हो चुका हूँ, और मेन जो बात है फटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। और मामा भी बोल रही हैं कि चेंज करवाओ। और ये हमारा हैंडल वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ख़राब है, तो इसके ऊपर एक कवर लगेगा जो कि लगा हुआ था पहले, लेकिन लूज़ हो गया तो मैंने उतार दिया। बाकी ये सारी गाड़ी की साफ़ सफाई होगी, और मेन बात यही है कि मैं गाड़ी का जो कलर है वो अंदर से चेंज करने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, ऑलरेडी हम लोग मतलब मंगवा चुके हैं, ये ऑनलाइन हमें काफ़ी सस्ता पड़ा है, जो कि नया एप्लीकेशन आया है ट्रेंडियोल तुर्किया का। इस पर ऑलमोस्ट मुझे 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। मतलब इसका जो ओरिजिनल प्राइस था तकरीबन 400 रियाल था, लेकिन मुझे ये तकरीबन 60-70 रियाल में पड़ा है, बल्कि उससे भी कम। तो बाकी ये लगा के कवर्स आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर बताना कि कैसे लगते हैं, ठीक है? तो ये सारा सीन है, अभी हम लोग निकलने लगे हैं बस। काफ़ी लेट हो गई है मुझे, लेकिन यार गर्मी कम नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। मैं वैसे चेंज कर लूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, चेंज करके तो निकलते हैं फिर। चेंज वेंज कर लिया है, बीच में काम आ गया था पापा को, तो पापा गाड़ी ले गए थे, अब मैं लेके निकलने लगा हूँ अपनी फरारी को। अब हम करेंगे अपनी फरारी की सवारी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, चलो भाई अपना सफ़र शुरू करते हैं। पहले मेरे ख्याल से जाके कवर्स वगैरह चेंज करवाते हैं गाड़ी के। वो देखो इसके काम, रॉन्ग वे पे चला रहा है गाड़ी। खैर अल्लाह हिदायत दे। तो हम लोग पहले जाके चेंज करवाते हैं इसके कवर्स, फिर गाड़ी धुलवाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गंद छन टलता है कवर चेंज करते हुए। और वैसे भी सब कुछ ओके हो जाएगा, फिर सिर्फ गाड़ी धुलवानी होगी हमें। चलो पहुँचते हैं। एक शॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि अभी अभी मगरिब की नमाज़ ख़त्म हुई है, तो हो सकता है बंदा अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा हो। तो देखते हैं कि ये क्या बोलता है। सीट के कवर असल में मैं ख़ुद भी लगा लेता, लेकिन पापा ने बोला कि तुमसे सही नहीं लगेंगे, इस वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जाके लगवाओ। बात तो सही है। और बात उनकी भी ठीक है, इसका काम उसी को सच है, उनका रोज़ का काम है, उन लोगों ने अच्छे से लगा लेना। तो देखते हैं
ऐसा लग रहा है ज़्यादा पैसे ना मांगे। काम शुरू हो गया है गाड़ी का, अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट में मान गया बंदा। तो अब आपको फाइनल करके चेंज दिखाते हैं। आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। बाकी फाइनल रिजल्ट्स आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि रात के टाइम इतना दिख नहीं रहा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कवर्स वगैरह तो लग गए हैं, अब गाड़ी धुलवाते हैं। इधर तो भाई लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियां धोने के लिए, मतलब धुलवाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी धुलवा के लेके जाएंगे। ये देखो, ये होता है बिजनेस माइंडसेट। यहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही हैं और यहाँ पे इन लोगों ने बनाया हुआ है छोटा सा, आप लोग कह सकते हैं ढाबा टाइप, ताकि लोग गाड़ी धुलवाते टाइम यहाँ पे बैठ के खा सकें कुछ, और उनका टाइम भी गुजर जाए इजीली और इनका काम भी चल जाए। आखिरकार हमारी भी गाड़ी धुलना शुरू हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी शाड़ी धुल गई है। तकरीबन मैं कोई 5:30-6 बजे घर से निकला था और अभी 8 बज रहे हैं। ये तो टाइम पीछे, मतलब इशा भी हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो काम भी हो गया। अब घर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। यार गाड़ी तो हमारी धुल गई है, लेकिन हॉर्न को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है जैसे गला बैठ गया हो। चलो हो सकता है पानी वानी चला गया हो, इस वजह से सुबह तक चेक करेंगे, अल्लाह खैर करे। तो गाड़ी तो माशाल्लाह से अपनी गई है धुल बड़ी मेहनत के बाद, और अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ जो चेंजिंग की है हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, सुबह मैं आपको दिखाता हूँ ये। लेकिन आपके भाई ने एक आधी छोटी सी चीज़ें और भी मंगवाई थी स्टेयरिंग के लिए, और एक आधी और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलो तो वो ये है अपना सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या होना है, ये देखो ये स्टीयरिंग कवर है, अभी मैं लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये एक मंगवाया है हमने इधर गियर पे लगवाने के लिए। उतारो इसे, उतारो। ये क्या, इसको निमोनिया हो गया क्या हुआ इसे? हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घुस जा, छोटा तो नहीं मंगवा लिया मैंने कहीं, इसका मुंह बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये प्लास्टिक का मेरे ख्याल से। रुको, दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा लगता है। कैमरे को यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे ये, यस आई गॉट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गुजा, ये क्या है भाई, गलत साइज तो नहीं मंगवा लिया, लेकिन ये तो फ्री साइज ही आता है। कोशिश करते रहेंगे हम, हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि भाई ये 2-3 दिन का खर्चा किया मैंने इस पे। बेटा तुझे मैं चढ़ा के तो रहूंगा ही, ठीक है ना, तो आराम से चढ़ जा तो अच्छी बात है। घुस 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 घुस, ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्या, ये चढ़ तो गया है और अच्छा भी लग रहा है यार, वैसे ठीक हो गया। चलो अब ये पुराने को अलविदा, ये किसी और को दे देंगे, मसला नहीं है। और एक जो मेरे दिल के करीब बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो है ये वॉच। वैसे तो गाड़ी में घड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन हमें घड़ी से बहुत प्यार है। ये मेरे दोस्त मुझसे, सॉरी
मतलब ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे घड़ियों से कितना प्यार है, तो ये स्पेशल मैंने मंगवाई है यहाँ पे कहीं लगाने के लिए। अब देखते हैं कि कहाँ पे लगाएं हम लोग। खैर ये लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको। तो बड़ी मेहनत मशक्क़त करके मैंने ये कवर चढ़ाया, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है। अब बारी है इसकी, इस नन्नी मुन्नी की, तो आई होप कि ये भी इजीली लग जाए और हमारा काम हो जाए। वक्त चल रहा है इस पर भी, ये लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस नन्नी मुन्नी घड़ी को इधर लगाने लगा हूँ, ये सिक्योरिटी वाली जगह पे। वैसे भी अलहमदिल्ला मदीना में सेफ्टी है, तो सिक्योरिटी की तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा ली है वॉच, और सीन कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह, सुबह को आपको दिखाता हूँ इसे। तो अब हम लोग आ गए हैं पार्क वाली साइड पर, ये सामान छमान रख लिया है, अब हम लोग करते हैं बारबेक्यू। ओए बेबी क्या हो रहा है ये, देख लिया देख लिया, पकड़ा गया बेबी। देख लो पूरी वीडियो देख लो, थोड़ी सी वीडियो रह गई है बस। तो यहाँ मैं बैठ के मानो बिल्ली के साथ खेल रहा था, माशाल्लाह ठीक मौसम हो गया था रात तक। वैसे बहुत गर्मी लग रही थी पहले, लेकिन बैठ के कुछ देर बाद ठीक हो गया था टेम्परेचर। और बाकी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू वगैरह एंजॉय किया, तो ऐसे ही हमारा पूरा फ्राइडे गुजर गया। फिर अगले दिन की बात करते हैं। तो रात को तो सही तरह से नज़र नहीं आया, इस वजह से मैंने सोचा कि सुबह एक वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से क्या चेंजिंग आई है गाड़ी में। तो ये हम लोगों ने अपनी गाड़ी करा ली है फर्स्ट क्लास। ये क्या, ये तो वही फटी पुरानी? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है यार। तो ये पहले गाड़ी ऐसे थी, अब जो करवाई है वो आगे देखो। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। ये हमने न्यू स्टीयरिंग कवर लगाया है, और यहाँ पे एक नन्नी मुन्नी सी घड़ी लगाई है जो कि अच्छी लग रही है यार। और ये एक कवर लगाया है इस पर, और बाकी बस सीट कवर ही चेंज किए हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कैसी लुक आ रही है। तो कैसी लगी फिर वीडियो, मज़ा आया कि नहीं? नहीं आया मज़ा यार, इतनी मेहनत की मैंने, इतने घंटे लगा दिए मैंने खाली गाड़ी धुलवाने में, आप लोगों को फिर भी मज़ा नहीं आया वीडियो पे? यार ये जाती है यार, कुछ तरस खाओ यार, बच्चे की जान लोगे क्या? थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है दिल से आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया करें कम है, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, तो अल्लाह आपको खुश रखे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और गाड़ी कैसी लगी, और अगर आपकी गाड़ी होती तो आप लोग क्या क्या चेंजिंग करना चाहते या चेंजिंग करते, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दुआ करना इंशाल्लाह, आज सीट कवर्स चेंज किए हैं, कल पूरी गाड़ी चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे ये गाड़ी मुझे बहुत प्यारी है यार, दिल के बहुत करीब है। पुरानी है लेकिन फिर भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है, और चीज़ जो पापा को पसंद हो उसमें कोई तो बात होती है ना, कोई ख़ास बात। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो वो जो लाल वाला बटन है ना उसे प्यार से प्रेस करना है, सिर्फ अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।